बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर चर्चा करने वाली हूं। तो यहां दो खबरें एक साथ आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि वो दो खबरें क्या है। तो पहली चीज ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर UPHESC में आपके पद जो है वो बढ़ गए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और भी पदों का अधियाचन जो है भेजा गया है, तो ऐसे में कितने पद बढ़े हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में करीब 64 पद जो है वो आपके बढ़ गए हैं। और अब जो ये पद है वो 981 हो गए हैं, जो पहले 917 पदों पर ये भर्ती थी, अब ये 981 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये आप सभी के लिए अच्छी बात है, और इस चीज़ को देख सकते हैं आप UPHESC की वेबसाइट पे जाके कि किस विषय में जो है पदों की संख्या बढ़ गई है। तो यहाँ दोनों ही पोर्टल के नाम आप सभी को दिखा दिए गए हैं कि इन दोनों पोर्टल पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस में कितने पद बढ़े हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जिन्होंने भी अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो उनके लिए अभी भी एक मौका है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म जो है वो भर सकती हैं। तो यहाँ जो तिथि पहले थी कि 24 अगस्त तक ही थी, वो तिथि अब बढ़ के 23 अगस्त तक जो है आपके फॉर्म की तिथि थी कि वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 25 अगस्त तक थी, और अब वो बदल कर 31 अगस्त तक कर दी गई है। यानी आपके आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है, 31 अगस्त तक अब ये तिथि बढ़ गई है। तो यही दो जानकारी मुख्य रूप से आपको देनी थी, पहली कि असिस्टेंट प्रोफेसर में पदों की संख्या जो है बढ़ गई है, और दूसरी ये है कि जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, आवेदन तिथि है, वो भी बढ़ गई है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको देनी थी, तो ये मैंने आप सभी को बता दी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही एक और प्रश्न आता जाता है कि परीक्षा कब तक होगी, और काफ़ी लोग जो है एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि परीक्षा जो है अक्टूबर में होगी। जिस हिसाब से इस फॉर्म के तिथि जो है अप्लाई करने की तिथि बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से इसके अक्टूबर में होने की संभावना तो कम ही दिख रही है। तो इसकी तिथि आगे बढ़ सकती है, अक्टूबर में आपकी परीक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि जब इसकी आवेदन की तिथि ही आगे बढ़ रही है तो परीक्षा तिथि भी आगे ही जाएगी आपकी। तो यही सब बताना था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ जो है मिलती ही रहती है। धन्यवाद।